आज की ये जो भागदौड़ की जो जिंदगी है, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सुबह से लेकर शाम तक लोगों को फुर्सत नहीं है, तो ये जो स्ट्रेस कहीं ना कहीं माइंड में रहता है, इट अफेक्ट्स द हॉर्मोन्स, इट अफेक्ट्स द पेप्टाइड्स, इट अफेक्ट्स द स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट आर गेटिंग सिक्रेटेड इन ब्रेन. माइग्रेन इज इट, देयर इज नो 100% क्योर. ये लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या इसको हम हटा सकते हैं जड़ से, ऐसा नहीं होता है. बट अगर आप उसके ट्रिगर्स का ध्यान रखेंगे तो वो हेडेक आपको नहीं होगा, वो अटैक्स आपको नहीं होंगे. स्ट्रेस कैन बी एसोसिएटेड विद ऑल टाइप्स ऑफ हेडेक्स, इट कैन ट्रिगर एनी टाइप ऑफ हेडेक. अब स्ट्रेस को कम करना, देखिए, वी कैन नॉट अवॉइड द रूटीन स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन. एवरीबडी इज हैविंग स्ट्रेस एट एनी रोल. न्यूरो साइंस इज अ वेरी गुड साइंस, इट इज नॉट बोरिंग. लोगों को, स्टूडेंट्स को ऐसा लगता है एक स्टेज पे कि ये तो काफी बोरिंग ब्रांच है. इट्स नॉट बोरिंग एट ऑल. देर आर इमरजेंसीज, उसके अपने थ्रिल्स भी हैं. जब भी इमरजेंसी में स्ट्रोक पेशेंट आता है, देन द पेशेंट गेट्स ट्रीटेड, पेशेंट गेट्स बेटर, इट फील्स गुड. सो इट हैज इट इज एज एक्साइटिंग एज एनी अदर ब्रांच लाइक कार्डियोलॉजी और एनीथिंग एल्स. हेलो मैम, गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मीनाक्षी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैम, वेलकम टू दिस इंस्टाग्राम लाइव सेशन. ओके, सो And thank you for the opportunity, because yes, I would like to answer some of the questions that anyone is having. I would like to clear some of the doubts that everybody is having about headache and sleep issues. Yeah. हमारी audience हमारे साथ जुड़ चुकी है. मैं चाहूंगी कि आप audience को पहले अपने बारे में कुछ बताएं. Okay. Hello everyone. Good morning. I am Dr. Priyanka Sehrawat. I have done my MBBS from Lady Harding Medical College, New Delhi. I have completed my MD medicine and my super specialization TM neurology from All India Institute of Medical Sciences, New Delhi. And I'm currently working as a consultant neurology at two hospitals in Gurgaon. So currently I'm in private practice, and also I'm a health coach. You can refer to my page for some health information. Good health. Okay, that's great. Thank you so much for your introduction. So अब जिस तरह से हम आज की स्लाइड सेशन में कुछ चीजें डिस्कस करने वाले हैं, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि आजकल एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो हम सब लोग फेस कर रहे हैं, दैट इज स्लीपिंग पैटर्न. जो स्लीपिंग इश्यूज है वो मोस्टली हम सब फेस कर रहे हैं उनको. सो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, आप क्या सोचते हैं कि इसका जो मेन रीजन है वो क्या है? हाँ जी. सो ये जो स्लीप इश्यूज है, इनके पैटर्न में बहुत चेंज देखा गया है. कि पहले ये सिर्फ एल्डरली पॉपुलेशन में होता था, आजकल बहुत यंग लोगों में भी ये इश्यूज है कि नींद नहीं आ रही है, नींद को शुरुआत करने में उनको डिफिकल्टी हो रही है, स्लीप फ्रेगमेंटेशन हो रहा है, नींद बीच में टूट जाती है. तो इसके रीजन मल्टी फैक्टोरियल है. बट अगर आप मुझसे पूछे कि दो मेन रीजन क्या है, तो पहला स्ट्रेस. आज की ये जो भागदौड़ की जो जिंदगी है, इतना कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, सुबह से लेकर शाम तक लोगों को फुर्सत नहीं है, तो ये जो स्ट्रेस कहीं ना कहीं माइंड में रहता है, इट अफेक्ट्स द हॉर्मोन्स, इट अफेक्ट्स द पेप्टाइड्स, इट अफेक्ट्स द स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स दैट आर गेटिंग सिक्रेटेड इन ब्रेन, और उसकी वजह से नींद बहुत डिस्टर्ब हो रही है. सेकेंडली, जो मोबाइल फोन यूज है, कि रात को सबको लगता है कि सोने से पहले अब हमारा सारा काम हो गया है, अब हम बेड पे लेट कर सोएंगे. सोने से पहले मोबाइल में ईमेल्स चेक करना, उनका रिप्लाई करना, टेक्स्ट करना, सोशल मीडिया पे स्क्रोलिंग करना, तो वो भी एक बहुत बड़ा इश्यू है. बिकॉज ये जो मोबाइल फोन की जो स्क्रीन की लाइट होती है, ये हमारी आईज के लिए तो खराब है ही, ये हमारे एक मेलेटोनिन नाम के हार्मोन को सप्रेस करती है. एंड दिस इज द हार्मोन दैट इज सपोज टू बी देयर इन हाई अमाउंट, सो दैट हमारा जो बॉडी का स्लीप वेक साइकिल है, जो स्लीप वेक रिदम है, वो मेंटेन रहे. तो जब वो हार्मोन का लेवल ऊपर नीचे होता है, तो वो बहुत बड़ा इश्यू है. एंड सेकेंडली, जब हमारा आर बॉडी इज ट्राइंग टू टेक सम रेस्ट, आर ब्रेन इज सपोज टू लॉग ऑफ, एंड एट दैट टाइम वी आर स्टिमुलेटिंग इट बाई यूजिंग मोर ऑफ मोबाइल. हम और ज्यादा मोबाइल टीवी देखकर उसको स्टिमुलेट कर रहे हैं. सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू दैट इज हैपनिंग राइट नाउ इन टूडेज जनरेशन, इन टूडेज वर्ल्ड. कि ये बहुत बड़ा इश्यू है कि लोग मोबाइल और टीवी देखते हुए स्लीप नींद में जाने की कोशिश करते हैं, नींद के टाइम पर इनका यूज कर रहे हैं. दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट. सो बीइंग अ न्यूरोलॉजिस्ट, अगर आपसे मैं ये पूछूं कि क्योंकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, और ऐसा भी है कि अब इतना हैबिचुअल हो गए हैं हम सब कि हम
फोन देखे बिना सो भी नहीं सकते, या फिर टेलीविजन जिनको हैबिट बन गई है वो देखे बिना सो नहीं सकते हैं. सो अगर आप एज अ न्यूरोलॉजिस्ट कुछ सिंपल टेक्निक्स बताएं जिनसे स्लीपिंग पैटर्न जो है वो अच्छा हो सके, या फिर कुछ ऐसी टेक्निक्स जिनको करके हमारे स्लीपिंग इश्यूज ठीक हो सके. यस, सो इसे कहते हैं, एक होता है स्लीप हाइजीन. स्लीप हाइजीन टेक्निक्स के बारे में लोगों ने बहुत कम सुना है, बट एज अ न्यूरोलॉजिस्ट आई ट्राई टू टेल ईच एंड एवरी पेशेंट अबाउट इट, बिकॉज ये कुछ सिंपल तरीके हैं जो आप खुद अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करके यू कैन हैव अ वेरी गुड नाइट स्लीप. सो पहली चीज है कि शाम को 6 बजे के बाद कुछ भी हैवी खाना नहीं खाना चाहिए. सेकेंडली, डू नॉट टेक कैफीन और टी. 6 बजे के बाद कॉफी और टी ना लें. प्लस मेंटेन अ रेगुलर रिदम कि यू आर ट्राई टू गो टू स्लीप एंड वेक अप एट द सेम टाइम एवरी डे. हर दिन कोशिश करें कि आप एक ही टाइम पर सोने जा रहे हैं और एक ही टाइम पर उठ रहे हैं. वो जो इरेगुलरिटी होती है स्लीप में, उससे हमारी बॉडी को गलत सिग्नल्स मिलते हैं. आर माइंड आर बॉडी डजंट गेट अडेप्टेड टू इट. हमारे हॉर्मोन्स को नहीं पता चल रहा है, हमारा रिदम नहीं बन पा रहा है. सो दैट इज वन, क्योंकि जो भी एनवायरमेंट में चल रहा है देयर इज एन इंटरनल एनवायरमेंट ऑल्सो दैट इज गोइंग ऑन. हॉर्मोन्स आर गोइंग अप, हॉर्मोन्स आर गोइंग डाउन एट सम पॉइंट ऑफ टाइम. सम मॉलिक्यूल्स आर गोइंग अप, सम मॉलिक्यूल्स आर गोइंग डाउन. तो ये जो चीजें हैं ये हमारी एक्सटर्नल फैक्टर से बहुत ज्यादा लिंक्ड हैं, और यही चीजें हैं जो हमारे स्लीप को, हमारे हमारे नींद को, हमारे इवन हमारे स्ट्रेस लेवल को भी बहुत ज्यादा, माइंड को, ब्रेन के एक्टिव होने को भी बहुत ज्यादा अफेक्ट करती है. तो ये एक रेगुलरिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है. एंड सेकेंडली, जैसा कि मैंने बताया, कम से कम 1 घंटा पहले सोने के टाइम से, मान लीजिए आपने सोचा है कि हमें 10 PM पे सोना है, तो 9 o'clock के बाद टीवी या मोबाइल ना देखें. डू समथिंग एल्स, रीड अ न्यूज़पेपर, रीड अ बुक. छोटे बच्चे हैं तो उनके साथ कलरिंग करें, उनके साथ जो भी उनको कुछ भी जो भी बच्चों को करना है वो करें. बट अपना डिजिटल मीडिया 1 आवर के लिए, अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक्स को स्विच ऑफ ही करें तो बेटर है. उससे आपका स्लीप साइकिल बेटर मेंटेन होता है, बेटर रेगुलेट होता है. दैट्स ग्रेट. तो ये बहुत इम्पोर्टेंट. सो इसके साथ साथ हमें ये भी कहा जाता है कि जो स्लीपिंग आवर्स है वो 7 to 8 hours जो है वो हमें लेने चाहिए. सो इसके पीछे भी कोई रीजन है कि हमें 7 to 8 घंटे सोना चाहिए, तो क्यों हमें डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं कि हमें 7 to 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए? यस, डेफिनेटली. सो देखिए, जब भी हमें हमारी बॉडी पूरा दिन कॉन्टिन्यूसली, आर सेल्स आर वर्किंग, आर ऑर्गन्स आर वर्किंग, 7 to 8 hours कॉन्टिन्यूस रेस्ट इज रिक्वायर्ड टू रिजुवनेट दैट दोज ऑर्गन्स, दोज सेल्स, कि उनमें दोबारा से उतनी एनर्जी आए, उनमें दोबारा से वो ETP आए, उनको वो ऑक्सीजन लेवल दोबारा से मेंटेन हो जाए, एंड दे आर हैविंग अ गुड ब्लड सप्लाई. सो दैट्स वाई दैट 7 to 8 hours कॉन्टिन्यूस स्लीप एट नाइट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. सेकेंडली, जब आप 7 to 8 hours का स्लीप लेते हैं तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग में यू फील फ्रेश, यू फील मोर एक्टिव, यू फील मोर अलर्ट. सो वो 7 to 8 hours जो है वो हमारी बॉडी के लिए, हमारे फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस जो चल रहे हैं उनको रेस्ट देने के लिए बहुत जरूरी है. एंड दैट अफेक्ट्स आवर एक्सटर्नल आउटलुक, दैट अफेक्ट्स आवर एनर्जी लेवल्स आर कमिंग. दैट्स ग्रेट. सो इसके साथ साथ जो हमारा स्लीपिंग पैटर्न और इश्यूज है, इसके साथ साथ आजकल सबसे कॉमन चीज है हेडेक, और हम हेडेक को कहीं ना कहीं माइग्रेन से मिक्स करते हैं. लेकिन एक न्यूरोलॉजिस्ट हमें सही तरीके से बता सकते हैं कि हेडेक क्या है और माइग्रेन क्या है? How do you difference between headache and migraine? हाँ जी. Yes, so headache जो होता है सर दर्द, वो एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है. इट्स लाइक एन अम्ब्रेला, इट्स अ बिग स्पेक्ट्रम ऑफ सिम्टम्स. उस बिग स्पेक्ट्रम में अलग अलग टाइप के हेडेक्स आते हैं, उनमें से एक टाइप है माइग्रेन. तो माइग्रेन के अलावा भी कई तरीके के हेडेक होते हैं. माइग्रेन का कैरेक्टरिस्टिक होता है कि बहुत ज्यादा एकदम से सिर का दर्द बढ़ता चला जाता है, थ्रॉबिंग हेडेक होता है, यूनिलेटरल होता है, साथ में वॉमिटिंग की फीलिंग आती है, लाइट से परेशानी होती है, इंसान का एक जगह पे रहने का मन करता है कि बस मैं, मुझे ना एक अंधेरे कमरे में चुपचाप शांत जगह पे मैं लेटा रहूं, वो होता है माइग्रेन. लेकिन और भी कई तरीके के हेडेक होते हैं. एक होते हैं क्लस्टर हेडेक, इसमें हमारा ये हमारा ट्राइजेमिनल नर्व से एसोसिएटेड होता है. इसमें क्या होता है, इसमें भी एक ही साइड का हेडेक होता है, बट साथ में आंखों की स्वेलिंग आना, चेहरे पे स्वेलिंग आना, आंखों से पानी आना, नाक से पानी बहना, इसमें वो ऑटोनॉमिक सिम्टम्स होते हैं. फिर एक होता है टेंशन टाइप हेडेक, जो कि हमें डल लेकिन की पूरा दिन लगातार बनाई हुआ है, पूरे सिर में हल्का हल्का दर्द बना रहता है और स्ट्रेस से बहुत ज्यादा हो जाता है, वो होता है टेंशन टाइप हेडेक. और ऐसे बहुत सारी कैटेगरीज है. तो माइग्रेन इज अ पार्ट ऑफ दैट बिग स्पेक्ट्रम ऑफ हेडेक्स. एवरी हेडेक इज नॉट माइग्रेन.
बट माइग्रेन इज यस, माइग्रेन इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ ओके. सो जिनको ये मतलब अगर नॉर्मल हेडेक है किसी को और उनको लग रहा है कि ये हेडेक रेगुलरली उनको हो रहा है, तो मेबी इट कन्वर्ट्स बट मतलब एक समय पे आके वो चीज माइग्रेन में कन्वर्ट हो सकती है. उन लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे आप, क्या सजेशन देंगे कि क्या चीजें उनको करनी चाहिए उस समय पे? हाँ, तो देखिए हेडेक, किसी भी हेडेक का और स्पेसिफिकली माइग्रेन के स्पेशल ट्रिगर्स होते हैं, देयर आर ट्रिगर्स. अब माइग्रेन ऐसी बीमारी नहीं है जिसमें कि आपको ब्रेन में कोई लेजन है कि दवाइयां देके डिसॉल्व कर दिया, या ऐसा कोई लेजन नहीं होता है कि वो चला गया या हमें एमआरआई में दिख गया. नो, माइग्रेन में टिपिकली एमआरआई इज नॉर्मल. सो माइग्रेन इज इट, देयर इज नो 100% क्योर. ये लोगों का बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है कि क्या इसको हम हटा सकते हैं जड़ से, ऐसा नहीं होता है. बट अगर आप उसके ट्रिगर्स का ध्यान रखेंगे तो वो हेडेक आपको नहीं होगा, वो अटैक्स आपको नहीं होंगे. 50-70% ऑफ द ट्रीटमेंट लाइज इन अवॉइडिंग ट्रिगर्स इन केस ऑफ अ हेडेक. अब इन ट्रिगर्स में एक तो चाय और कॉफी, मैंने बताया था कि चाय और कॉफी का जो हाई इनटेक होता है कि 2-3-4 कप चाय और कॉफी दिन में, वो माइग्रेन को बहुत ट्रिगर करता है. खाली पेट रहना, स्पेसिफिकली ब्रेकफास्ट स्किप करना, वो माइग्रेन को ट्रिगर करता है. स्लीप डिप्राइवेशन, अगर आपको नींद ठीक से नहीं आती है तो वो हर टाइप के हेडेक को वो बना के रखेगा, क्योंकि नेक्स्ट डे आपको एनर्जेटिक फील नहीं होगा, आपको दर्द नहीं तो हेवीनेस जरूर रहेगी हेड में. तो स्लीप का बहुत बड़ा रोल है. स्लीप डिप्राइवेशन इज समवेयर कनेक्टेड टू दिस प्रॉब्लम ऑफ हेडेक दैट वी आर हैविंग, वी आर फेसिंग राइट नाउ. एंड सेकेंडली, आपका जो स्ट्रेस है, आज के टाइम पे जो स्ट्रेस है वो बहुत ज्यादा एसोसिएटेड है. तो एक तो टेंशन टाइप हेडेक, नाम ही ऐसा है, वन के टाइप ऑफ कैटेगरी इज नोन एज टेंशन टाइप हेडेक. बट स्ट्रेस कैन बी एसोसिएटेड विद ऑल टाइप्स ऑफ हेडेक, इट कैन ट्रिगर एनी टाइप ऑफ हेडेक. अब स्ट्रेस को कम करना, देखिए वी कैन नॉट अवॉइड द रूटीन स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज दैट आर गोइंग ऑन. एवरीबडी इज हैविंग स्ट्रेस एट एनी रोल, मतलब जो भी आपका पर्सनल रोल है लाइफ में, एज अ ग्रैंड पेरेंट, एज अ पेरेंट, एज अ वाइफ, एज अ स्पाउस, एज अ हस्बैंड, या फिर आपका प्रोफेशनल जो भी रोल है, एज अ बॉस या एज एन एम्प्लॉय, देयर इज स्ट्रेस. ये स्ट्रेस को हम अवॉइड नहीं कर सकते, बट व्हाट वी कैन अवॉइड इज, व्हाट वी कैन डू इज, वी कैन चेंज आवर आउटलुक, वी कैन डू समथिंग टू मेक दैट इवेंट अफेक्ट अस लेस, कि वो इवेंट हमें कम अफेक्ट करे. तो उसके लिए योगा, मेडिटेशन, जुम्बा, इवन जुम्बा, पेंटिंग, गार्डनिंग, ये जो चीजें होती हैं ये उसमें बहुत हेल्प करती हैं. तो इन चीजों से भी आप स्ट्रेस लेवल को कम कर सकते हैं. हैविंग अ सोशल सपोर्ट, have a social support, have a social circle. These things matter a lot because ye cheeze, these are all, ye kahin na kahin aapas mein connected hoti hai, ki neend nahi aayi, usse headache hua, the person gets depressed. So ye jo teenon cheeze hai, depression, anxiety, sir ka dard, neend ka issue, ye sab ek circle hai, this is a vicious circle. तो कहीं ना कहीं इस सर्कल को हमें ब्रेक करना होगा इफ वी वांट टू गेट रिड ऑफ दीस थिंग्स. दैट्स इट. सो इसमें हमारे कमेंट सेक्शन में साजिद जी ने कमेंट किया है कि व्हाट इज मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडेक, कैन यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट दिस. देखो, मसल कॉन्ट्रैक्शन हेडेक जो टर्म है वो दैट इज नॉट अ मेडिकल टर्म, दैट इज गिवन इन अ बुक्स. नाउ व्हाट हैपेंस एक्चुअली इज कि जो हमारा नेक का पोस्चर होता है, इट इज रिलेटेड टू आवर पोस्चर. जो हमारा नेक का पोस्चर है, तो नेक के पीछे मसल्स हैं जो कि नेक को फ्लेक्स करने में भी हेल्प कर रही हैं, कुछ मसल्स हैं जो नेक को ऊपर करने में हेल्प कर रही हैं. तो जब भी हमारा पोस्चर में गड़बड़ होता है तो हमारा मसल्स स्टिफ हो जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, एंड दे लीड टू दिस ऑक्सीपिटल हेडेक. वो हमारे सिर में पीछे दर्द करते हैं, तो वो एक अलग टाइप का दर्द है. उसके लिए आपको एक न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाके खुद को एग्जामिन करवाने की जरूरत है कि क्या वो मसल एक्चुअल में स्टिफ है. एंड इन दैट केस फिजियोथेरेपी एंड मेंटेनिंग अ गुड पोस्चर हेल्थ. तो यहाँ पे क्योंकि पोस्चर की बात आई है, तो मैं ये जरूर बताना चाहूंगी कि ये पिलो का बहुत इश्यू रहता है कि तकिया लगाना चाहिए रात में या नहीं लगाना चाहिए. तो ये जो पिलो वाला जो इश्यू है ना, तो उसका मेन रीजन ये है कि हमें बस इतना ध्यान रखना है कि जो हमारा सिर के पीछे का सबसे पीछे वाला पॉइंट है और जो हमारा शोल्डर वाला पॉइंट है, ये एक लाइन में रहे सोते हुए. तो अगर हम पिलो को यहाँ से लगाते हैं तो आवर नेक बिकम्स लाइक दिस, हमारा नेक आगे बेंड हो जाता है, तो पॉइंट आगे आ जाता है. तो उससे हमारी स्पाइन में और हमारी स्पाइन के ऊपर जो मसल्स हैं उन पे स्ट्रेन पड़ता है, दैट लीड्स टू दैट हेडेक, दैट लीड्स टू इवन दैट नेक पेन, और वो पीछे वाला जो हेडेक होता है वो उसकी वजह से होता है. तो उसमें कोशिश करें कि पिलो लगाएं, लेकिन यहाँ से शुरू करके लगाएं, अपने शोल्डर के नीचे से शुरू करके लगाएं कि आपका ये वाले एरिया से यहाँ तक का एरिया आपका पिलो से कवर्ड है, सो दैट आपका स्पाइन का जो लेवल है, जो स्पाइन का कर्वेचर है, वो मेंटेन रहे
और मसल्स में स्ट्रेन ना पड़े. सो दैट इज वन इम्पोर्टेंट. दैट्स ग्रेट. सो बहुत सारे मैम स्टूडेंट्स भी होंगे जो न्यूरोलॉजिस्ट बनना चाहते हैं या फिर जो इस प्रोसेस में है अभी, और आप ही की तरह वो बहुत सारे लोगों की हेल्प करना चाहते हैं. सो जाते जाते आप उन स्टूडेंट्स को क्या मैसेज देना चाहोगे? My message to any MBBS student or any MD student who wants to become a neurologist is, agar aap ek neurologist banna chahte hain, neuroscience is a very good science. It is not boring. Logon ko, students ko aisa lagta hai ek stage pe ki to kafi boring branch. It's not boring at all. There are emergencies, uske apne thrills bhi hain. Jab bhi emergency mein stroke patient aata hai, then the patient gets treated, patient gets better. It feels good. So it has, it is as exciting as any other branch like cardiology or anything else. First of all, secondly, agar aap neurosciences mein jana chahte hain, then you have to go deep into the anatomy and physiology of human body. That is what matters in neurosciences. Usme aap ye nahi keh sakte ki aap agar ye point hai to ye diagnosis hai. No, you have to know what is going on in the brain at molecular level. You have to go deep into the anatomy. And of course, I would like to say my best wishes are with you. In case of any doubts, you can always approach me. Thank you so much. And yeah, thank you so much, ma'am, for joining this Instagram live session. Thank you, Meenakshi. Thank you.